वेलकम टू द अमृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑन यूट्यूब चैनल। अज बेटा असी चैप्टर शुरू कर लगे हाँ प्लस वन का, चैप्टर नंबर 5 जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है साडा, स्टेट्स ऑफ मैटर। बड़ा ही इंपॉर्टेंट तो बड़ा ही बेसिक चैप्टर है जिद असी स्टेट्स बारे बड़ा कुछ पढ़ना है कि मैटर दियाँ केड़ी केड़ी स्टेट्स होंदियाँ ने। सब तो पहले तो असं ये गल करा कि सब तो पहले साढ़े को टर्म आती है मैटर, कि मैटर होंदा की है, क्योंकि जिन्हें तक सानू मैटर नहीं पता होगा उदियाँ स्टेट्स नू स्टडी नहीं कर सकते आप। मैटर की चीज़ है, कोई भी इस तरह का सबस्टांस जिदा कोई वॉल्यूम है, जिहड़ा कोई स्पेस कवर करता पाया, जिदा कोई मास है, उस चीज़ नू असी बोल सकते हैं मैटर। ठीक है, एनीथिंग which occupy some space, ब्रैकेट्स लिख देना वॉल्यूम, एंड हैविंग सम मास, दैट इज कॉल्ड मैटर। मैटर की है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा, कोई भी इस तरह की चीज़ जिहड़ी की कर रही है थोड़ी बहुत कोई स्पेस कवर कर रही है, मतलब जिहदा कोई वॉल्यूम है, जिदा कोई मास है, उस चीज़ नूं असीं मैटर कह सकते हैं। ठीक है, तुसीं सिंपल जी एग्जाम्पल लै सकते हो, बड़ी ही साढ़े को एग्जाम्पल दे अंदर आ सकदा है। टेबल, कोई भी तुसीं टेबल ले लो, हर एक टेबल का कोई ना कोई मास है, चाहे घट है कोई ज़्यादा है, ठीक है, बट मास हैगा है, वो कोई स्पेस भी कवर करता है। बुक ले लो, पेन ले लो, छोटी तो छोटी चीज़ भी चाहे ले लो तुसीं, उहदा भी कोई ना कोई, ईवन दैन तुसीं एक एयर भी ले लो, चाहे एयर का भी, अगर असीं एयर नूं बैलून दे अंदर फिल कर दीए तो उहदा भी की है, कोई ना कोई मास है, उहदा भी कोई ना कोई साइज़ है, जिहदे करके बलून की हुंदा है, फैल जाता है। इस चीज़ नूं असीं बोलदे मैं अपना मैटर। हुण मैटर दियां स्टेट्स बारे गल करिए, साडे को टाइप्स ऑफ मैटर। मैटर दियां स्टेट्स बारे अगर गल करिए तो आपां, साडे को तीन तरह दियां मैटर्स दी स्टेट्स ने, साडे को देयर आर थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। साढ़े को मैटर दियाँ तीन स्टेट्स ने। सब तो पहली स्टेट आती मैटर की सॉलिड, नंबर टू स्टेट आती साढ़े को लिक्विड, तो नंबर थ्री स्टेट आती साढ़े को गैस। साढ़े को मैटर दियाँ तीन स्टेट्स ने, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। कोई चीज़ सॉलिड है या कोई चीज़ लिक्विड है या कोई चीज़ गैस है, किस तरह डिपेंड करेगा, किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, दैट डिपेंड्स ऑन द एनवायरमेंटल कंडीशन। एनवायरमेंटल तुसी कंडीशन, मतलब तुसी बाहरों की किस तरह दियाँ उन्हें कंडीशनस लगाते पे हो, उसके हिसाब नाल उसकी स्टेट होनी है। अगर तुसी किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा ठंडा कर रहे हो, इहदा मतलब डेफिनेटली वह सॉलिड स्टेट में होगी। अगर तुसी किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा गर्म कर रहे हो, इहदा मतलब वह गैसीय स्टेट के होगी। अगर तुम नॉर्मली रख रहे हो टैंपरेचर, रूम टैंपरेचर जिन्होंने बोलते हैं, फिर वह चीज़ लिक्विड स्टेट के होगी। इस तरह लिख सकते हैं कि एक चीज़ होर दस देना कि जिन्या भी ये तीन स्टेट्स ने, यह तीनों स्टेट साड़ियाँ की ने इंटरकनवर्टेबल है ने। अगर तुम सॉलिड चीज़ में हीट करते पे हो तो वह चीज़ लिक्विड बन जाती है, तो अगर तुम लिक्विड में हीट कर देंगे हो तो वह चीज़ गैस बन जाती है। तो उल्ट जे करना हो आप किसी गैस नूं ठंडा कर सकते हैं, कूल कर देने तो वह चीज़ लिक्विड हो जाएगी, तो जो उन्होंने आप किसी लिक्विड नूं कूल कर दिए तो वह चीज़ सॉलिड हो जाएगी। बड़ी ही बेस्ट एग्जाम्पल है इन्हों समझने वास्ते, आइस। घर साढ़े को आइस प्रेजेंट है, बर्फ जिहड़ी की है, अगर असी बर्फ नूं गर्म करते हैं तो उस तों की बन जाएगा साढ़े को पानी, मीनस वॉटर। हुण सानूं पता कि आइस साड़ी सॉलिड है, तो जिहड़ा पानी है साढ़े को वह साडा लिक्विड स्टेट है। फर्दर अगर फिर अगर मैं पानी नूं भी गर्म कर दिया, पानी नूं भी हीट कर दिया, दैन साढ़े को बनेगी स्टीम, मतलब वह आ गई साड़ी वेपर फॉर्म। ठीक है, इस तरीके नाल असी स्टेट्स नूं इंटरचेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। यह साडे डिपेंड करता है इनवायरमेंटल कंडीशन पर कि सानूं किस तरह की स्टेट चाहिए है, जिस तरह की स्टेट चाहिए है उहदे अकॉर्डिंग असी की कर सकते हैं, अपना टैंपरेचर चेंज करके उस स्टेट्स नूं लेके आ सकते हैं। यह सारिया स्टेट्स एक दूजे से इंटरकनवर्टेबल ने। नैक्सट एक टर्म आती बड़ी इंपॉर्टेंट जिन्हों बोलते हैं सबलीमेशन।
एक टर्म आती है सबलीमेशन, बड़ी ही इंपॉर्टेंट टर्म है, पेपर च आते पूरे चांसिस होंगे ये। सबलीमेशन वर्ड का मतलब की है? एक इस तरह का प्रोसैस, सबलीमेशन का मतलब की है प्रोसैस इन विच ए सॉलिड स्टेट गेट्स डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू ए गैसियस स्टेट। अगर आप एक सॉलिड चीज़ नू थोड़ा बहुत हीट करते हैं तो डायरेक्टली, वैसे तो होंगे कि सॉलिड नू हीट करने से लीकुड आता है, तो लीकुड नू हीट करने से गैस आती है, बट कई बार इस तरह होंगे कि सॉलिड नू हीट करने से डायरेक्टली वो चीज़ गैस बन जाती है। इस तरह की स्टेट नू असीं बोलते हैं, इस तरह के प्रोसैस नू असीं बोलते हैं कि वो कर रही है सबलीमेशन कर रही है। सबलीमेशन दियाँ कुछ एग्जाम्पल्स तुम दस रहे हैं, जिमें असी यूज़ करते हैं नैपथलीन बॉल्स। नैपथलीन बॉल्स की ने? पंजाबी दसा से फरनैल की गोली जिन्हों बोले जाता है, ठीक है। अगर असी फिनैल की गोली देखिए तो होंगे कि वो कि वह सॉलिड स्टेट के होंगी है, बट कुछ देर उन्होंने पिया रहन दो तो वह तुम देखो कि हौली हौली खत्म हो जाएगी, वो तो लीकुड स्टेट नहीं बनती, बट वो सीधी कि कन्वर्ट होंगी और सॉलिड स्टेट डायरैक्टली गैसीय स्टेट कन्वर्ट होंगी भी है। होर कैम्फर, कैम्फर ले लो, ड्राई आइस ले लो, हूँ यह चीज़ा की ने, साडे कमर्शियली यूज़ होने वाली चीज़ा ने। जिमें मैं और एक एग्जाम्पल दसदा जी डेली लाइफ यूज़ करते हैं ओडोनिल, जिहड़ा ओडोनिल असी यूज़ करते हैं घरां दे विच, टॉयलेट यूज़ करते हैं, बाथरूम दे विच यूज़ किया जाता है ताकि फ्रैगनेंस अच्छी आए। उन्हूं किस परपज से बनाया जाता है, उहदे विच जिहड़ी चीज़ प्रेजेंट है वह साडी सॉलिड है, उहदा मेन परपज़ की है कि वह सॉलिड चीज़ डायरैक्टली कन्वर्ट होवे गैसीय स्टेट च, मतलब वो अंदर साडे को सबलीमेशन प्रोसैस हुंदा पिया, ठीक है जी। सबलीमेशन प्रोसैस साढ़े को बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कई डेली लाइफ की चीज़ों के, जिमें नैपथलीन बॉल, कैम्फर, ड्राई आइस। ड्राई आइस में असं सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड भी बोलते हैं। वैसे तो बुक्स में साढ़े को तीन ही स्टेट्स प्रेजेंट होंगे ने सॉलिड दियाँ, सॉरी मैटर दियाँ, सॉलिड, लीकुड ते गैस, बट अज के टाइम साढ़े को तीन तो ज़्यादा स्टेट्स भी आ चुकिया ने। जिहड़ी साडी फोर्थ स्टेट आती है मैटर की, वो साड़ी केड़ी है? फोर्थ स्टेट होंगी साड़ी प्लाज्मा स्टेट। तो जिहड़ी फिफ्थ स्टेट आती साड़ी, टोटल पांच स्टेट्स ने मैटर दियाँ, फिफ्थ स्टेट आती साड़ी सुपर कूल्ड स्टेट। इस चीज़ नूं असीं बाकी कल पढ़ांगे, ठीक है बेटा। यह टॉपिक साडा अजे खत्म नहीं होया, इस टॉपिक नूं असीं बाकी कल जान देंगे, पूरा अपना कंप्लीट करांगे। थैंक यू।